चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर आवश्यक बैठक। डीडवाना विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नागौर के आदेशानुसार चुनाव की आवश्यक तैयारियों के संदर्भ में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पर सुपरवाइजर BLO होम वोटिंग प्रकोष्ठ, डाक मतपत्र प्रकोष्ठ तथा ग्राम विकास अधिकारियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी ने बैठक का आयोजन रखा। रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुलेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि होम वोटिंग के तहत 80 जोड़ के मतदाताओं तथा अक्षम मतदाताओं को घर पर जाकर वोटिंग करवाई जानी है। इसके लिए उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। BLO के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम इस संबंध में घर घर जाकर 80 जोड़ तथा अक्षम मतदाताओं को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी प्रत्येक बूथ पर मूलभूत भौतिक सुविधाओं AMF का भौतिक सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्य करेंगे तथा 100 मीटर व 200 मीटर चिन्हीकरण का कार्य करेंगे। तहसीलदार कमलेश सिंह ने होम वोटिंग प्रकोष्ठ तथा डाक मतपत्र प्रकोष्ठ को वोटिंग संबंधी समस्त ट्रेनिंग देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूथ लेवल अधिकारियों से बात करते हुए SDM जीतू कुलेरी ने बूथ संबंधी समस्याओं का निवारण किया। विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आज पूरी विधानसभा के जो BLO साहिबान हैं, सुपरवाइजर साहिबान हैं, ग्राम विकास अधिकारी साहिबान हैं और हमारे सभी तहसीलदार के BDO साहिबान और होम वोटिंग को लेकर यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। साथ ही बूथ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाओं की कमी है तो उसका सर्वे हमने करवाया। कुछ छोटी मोटी रिपेयर कई होनी है उसके बारे में सभी संबंधित को निर्देशित किया गया है और साथ ही होम वोटिंग के लिए जो सर्वे पत्र हैं वो उनसे भरवाए जाएंगे और मालाडी फोरम है वो होम वोटिंग के लिए जो रियल में नीडी है उनके लिए भरवाए जाकर उनका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉलो किया जाएगा। साथ ही विधानसभा आम चुनाव है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और स्पष्ट रूप से संपन्न हो इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है और आमजन से अपील है कि किसी के बहकावे दबाव में आए बिना जो है अपना वोट है वो आवश्यक रूप से कास्ट करें। और चूंकि विधानसभा आम चुनाव में जनरली देखा जाता है कि लगभग पिछले विधानसभाओं का देखें तो 70% हमारी विधानसभा में चुनाव वोटिंग प्रतिशत दिख रहा है तो आमजन से ये अपील है कि आप अपना जो मताधिकार है उसका उपयोग आवश्यक रूप से करें। हर वोट में ताकत होती है और उस ताकत का आप यूज करें और आवश्यक रूप से मतदान करें।